सबसे पहला उपाय है किसी भी आई को और किसी भी बाप को माने पिता को, आई को और पिता को, दोनों को अपने जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब भी अगर उनको बच्चे स्वस्थ तंदुरुस्त तेजस्वी तपस्वी संस्कारी और समाज का काम करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उन बच्चों को पैदा करने से पहले उसका नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दाऊद इब्राहिम होते हैं। ये मेरा 15 साल का डॉक्टरी के पेशे का अनुभव है, तजुर्बा है। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको अपने बच्चों से त्रास है और वो बच्चे इतने त्रासवादी हैं, आई वड़िल को पीटते, आई कुछ बोले उसको मारते, वड़िल कुछ बोले उसको मारते, आई वड़िल के कंट्रोल में नहीं रहते। जब उन बच्चों के बारे में मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ तो अंत में जाके पता चलता है कि वो बिना नियोजन के उत्पन्न हुए बाय एक्सीडेंट। तो मेरा आप सभी को ये विनम्र निवेदन है कि जिनको अपने बच्चे तेजस्वी तपस्वी संस्कारी समाजकर्मी राष्ट्रवादी धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले आई वड़ी की सेवा करने वाले ऐसे बच्चे अगर चाहिए तो उसके लिए नियोजन करना पड़ेगा। बिना नियोजन के वो बच्चे नहीं होते। सबसे पहला फैसला आपको ये करना पड़ेगा। जैसे आप बहुत सारे काम के लिए नियोजन करते हैं, घर बांधने के लिए नियोजन करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक पैसा बचाते हैं, जितनी पगार है उसमें से पैसा काट काट के बचा बचा के घर बांधने का नियोजन हमारा होता है। ऐसे ही हम नौकरी के लिए बहुत सारे नियोजन करते हैं, तो ऐसा ही नियोजन आपको करना है, ठीक है। अब नियोजन क्या करना, नियोजन करना है ये पहली बात ध्यान रखिए। बिना नियोजन के बच्चे होंगे तो मैंने आपको बताया वो संस्कारी हो नहीं सकते। और आज के समय में दुख और दुर्दय की स्थिति ऐसी ही है कि ज्यादा बच्चे बिना नियोजन के ही हो रहे हैं। इसलिए आई वड़िल भी परेशान है, समाज उनसे परेशान है, देश भी उनसे परेशान है। ये त्रासवादी आतंकवादी देशद्रोही ये सब हमारे ही अपने बीच के बच्चे हैं, लेकिन ये कैसे त्रासवादी हो गए, कैसे देशद्रोही हो गए, बिना नियोजन के होने के कारण। तो नियोजन करना पड़ेगा। अब नियोजन में क्या क्या करना पड़ेगा।